हेलो, जय श्री राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ प्रभु श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में। तो आइए आज हम आपको विजिट कराते हैं, यहाँ का प्रेम मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, शाम का समय कैसा बीतता है हमारा प्रेम मंदिर में। और एक चीज़, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रूम की तलाश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कितने से कम में रूम मिल जाए, तो अभी मैं आ चुका हूँ, जो कि अपना जाना जाए तो ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में ये अनमोल करके एक रूम वाले हैं जो कि देते हैं रूम वूम। अंदर के साइड देखेंगे, हमने 600 में रूम लिया है, ये वाला रूम जो आप देख पा रहे हैं। तो ये 600 का है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रेम मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ हम सड़कों से चल रहे थे, तभी देखा गौरी गोपाल आश्रम के सामने चल रही थी बाबा जी की कथा। तो हम भी क्या चल पड़े श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा में शामिल होने के लिए। जैसे ही होते इनकी कथा समाप्त, तो मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है हमें इनसे, तो क्या चल पड़े इनके स्टेज पे मिलने के लिए। और मिल भी लिया भैया, अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग जरूर मिल लीजिएगा। और चल दिए हम अपने श्याम जी के दर्शन के लिए प्रेम मंदिर में। बढ़िया, सभी हमारे बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अभी प्रेम मंदिर के पास। जस्ट यहाँ का पहला गेट होने वाला है ये, इसको हम लोग क्रॉस करके अंदर के साइड चलेंगे। आइए हम आपको बैक साइड से वीडियो में दिखाते हैं पूरा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑडियंस, ये वाला गेट बीच वाला अभी ओपन नहीं होता, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड का गेट ओपन होता है। उधर राइट वाला आप देखेंगे तो एग्जिट का है, और लेफ्ट वाला देखेंगे ये एंट्री का है, क्योंकि ये एंट्री पे चेकिंग पॉइंट बनाया गया। आप लोग जूता चप्पल अगर उतारते हैं तो आप लोग जूता चप्पल अंदर ले चलिएगा, वहाँ पे जूता चप्पल आपको रखने के लिए स्टैंड बनाया गया, आप लोग जूता चप्पल वहीं पे जमा करिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर की साइड। तो पार्ट डिवाइड भाई, लेडीज उधर एंड जेंट्स इधर। तो हम लोग इधर से चलते हैं, चेकिंग पॉइंट को पार करते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर की साइड। सभी हम चेकिंग पॉइंट को पार कर दिए हैं, और यहाँ से हमारी झांकियाँ देखने को स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपका लेफ्ट साइड पे यहाँ पे झांकी दर्शन होगा। तो ऑडियंस, अगर आप लोग मंदिर में आए हैं तो जूता चप्पल को इधर उधर करके ना उतार दिया जाए। अगर आप लोग चल रहे हैं तो हम जूता घर के पास आपको ले चले हैं, मंदिर के जस्ट आप लोग लेफ्ट साइड से चलते हुए चलेंगे तो आपको जूता घर आगे के साइड देखने को मिलेगा। तो हम आपको ले चल रहे हैं, आप लोग वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। आप सब ये जो झांकियाँ देख पा रहे हैं, ये जब श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन में गैया चराने जाया करते थे, ये तब का वर्णन इन झांकियों में किया गया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीच में मंदिर के बैक साइड परिसर में आप देख पा रहे हैं पूरा फाउंटेन बढ़िया से बनाया गया है। ऑडियंस, अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ की जितनी भी कलरफुल लाइटें हैं, और शाम का समय भी हो चुका है, पूरा अंधेरा होने चल रहा है, और इस समय लाइटिंग देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन सी लग रही है इस प्रेम मंदिर की। और अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा शो वहाँ पर दिखाया जा रहा है लाइट के साथ, एंड वहाँ पर सॉन्ग भी चल रहा है, जो कि हमने सॉन्ग को बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइटेड सॉन्ग है। और इस कैंटीन के साइड पर आप देख पा रहे हैं, इसके सामने श्री कृष्ण भगवान राष्ट्रीय रास्ते हुए उनकी कुछ झांकियों को दिखाया गया है, और इस साइड पे गोवर्धन पर्वत, चलिए हम आपको उसको भी पास से दिखाते हैं। और उसके बाद अपने जूते चप्पल को जमा करते हैं वहाँ पे प्रेम साधन सामग्री जहाँ पे है, वहाँ पे काउंटर बनाया गया आगे की साइड, वहाँ पे अपने जूते चप्पल को जमा करके चलेंगे अंदर मंदिर दर्शन करने। फ्रेंड्स, ये वाली झांकी जो आप लोग देख पा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन बाल रूप में, जब ये पूरा गोवर्धन पर्वत का नजारा यहाँ पे दर्शाया गया, ऊपर साइड पूरा पानी गिरता हुआ आ रहा है, और सभी को बचाने के लिए आप देख पा रहे हैं, जब पूरे पानी की बरसात हुई सबको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और सब लोग उनको निहारते रह गए थे। आप वो झलक देख पा रहे होंगे यहाँ पे दर्शाया गया है। सभी आप देख पा रहे हैं जहाँ पे इसका निकास द्वार बनाया गया, एग्जिट का पोल, और प्रेम साधन सामग्री जहाँ बनाई गई उसके बगल आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे की साइड जूता चप्पल स्टैंड बनाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे दिया गया है झोला वोला, तो आप लोग ले जाके अपने झोले को वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ऑडियंस, अभी हमने अपने जूते चप्पल को रख दिया है झोले में और वहाँ पे जमा करा दिया है। तो ये सामने का नज़ारा आप देख पा रहे हैं जगत गुरु कृपाल परिषद का, उसके जस्ट अब हम चले भाई लोग दर्शन करने श्री राधा कृष्ण का। प्रेम मंदिर की आरती और हर चीज़ का टाइमिंग आप देख पा रहे हैं, म्यूजिकल फाउंटेन, हर चीज़ का जो टाइमिंग है यहाँ पे दर्शाया गया, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑडियंस, सामने के साइड आ चुका है प्रेम मंदिर, और सामने का ये द्वार जहाँ पे सभी जी आप देख पा रहे होंगे, हमने उधर से लेके हर चीज की
जिधर भी हमने अभी तक एंट्री किया और उधर तक की वीडियो बनाई, जो कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं ना, तो आपको ले चलते हैं आपको सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कैसा है सेकंड फ्लोर का। नीचे तो आपने वीडियो में हर चीज़ें देख ही ली होंगी, जो कि कोई रोक टोक यहाँ नीचे नहीं है। आप सामने के साथ जगत गुरु कृपाल जी की तस्वीरों को बनाया गया, उनके साथ सभी भक्त लोग हैं, सामने के साथ आप देख पा रहे होंगे। और इधर परमहंस जी का बना गया है। पब्लिक लोग आपको ले चल रहे हैं प्रथम तल की ओर, जहाँ पे विग्रह दर्शन सीताराम जी का दर्शन आपको होगा ऊपर के स्तर पे। कैसा लगा हमारा वीडियो प्रेम मंदिर का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग वीडियो पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय ऑडियंस।